The topic is elementary data link layer protocols. In the elementary data link protocols, we are going to study the different protocols used into the data link layer. So first we should be able to understand what do you mean by protocol. As we have already discussed, protocol is nothing but the set of rules between two communicating parties on how communication is to be proceed. So this data link layer protocols, these protocols are broadly classified into two categories, that is noiseless channel and noisy channel. Noiseless channel means what? Means where the noise is less. What do you mean by noise? Noise is an unwanted signal which is occurred during the transmission, which may be in wired transmission or a wireless transmission. Okay, so it is classified into two categories, either the channel is noiseless or noisy. Noiseless channel ke do types hai, that is simplex protocol and stop and wait protocol. In for noisy channel means jahan pe probability of noise is high, wahan pe hum ARQ use karenge. ARQ is automatic repeat request. Automatic repeat request. Isme do categories hain, ek to stop and wait rahega aur second is sliding window. Sliding window is again classified into two categories, go back n protocol and selective repeat protocol. Okay, these are the protocols used into the data link layer. ठीक है, हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल. सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स सेंडर सिर्फ सेंड करेगा, रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा. ये बायडायरेक्शनल नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है. ठीक है, जैसे उसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे टीवी ट्रांसमिशन होता है, एक साइड से सिर्फ ब्रॉडकास्ट होता है, सेकेंड साइड से सिर्फ रिसीव होता है. द रिसीवर कैन नॉट एबल टू सेंड द इन्फॉर्मेशन अगेन. दिस इज द सिंप्लेक्स काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. दिस इज द सिंप्लेक्स काइंड ऑफ ट्रांसमिशन. तो फॉर नॉइसलेस चैनल सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि एक तो डेटा यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज वेरी लेस. हम इसको आइडियल चैनल कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें एरर इंट्रोड्यूस नहीं होगा. तो क्या होगा? तो सिंप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होगा. लेकिन मोस्टली जो होता है वो नॉइसी चैनल ही होता है. प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो आइडियल चैनल अवेलेबल नहीं होता है, मोस्टली हमको नॉइसी चैनल पर वर्क करना रहता है. तो हियर फॉर द नॉइसी चैनल इट इज़ क्लासिफाइड इन टू ARQ, दैट इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिक रिपीट करना है, कोई फ्रेम लॉस होता है तो उसको ऑटोमेटिक रिपीट करना है. तो इसमें दो कैटेगरीज है, एक तो स्टॉप एंड वेट है, दूसरा स्लाइडिंग विंडो है. स्टॉप एंड वेट से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, दीज आर द पॉइंट्स आई हैव नोटेड अबाउट द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स. इसमें क्या होता है, ओनली वन फ्रेम ट्रांसमिशन, एक टाइम में एक ही फ्रेम ट्रांसमिट होता है. ट्रांसमीटर क्या करता है, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर. ठीक है, सेंडर क्या करेगा, पहले सेंड करेगा इंफॉर्मेशन, डेटा सेंड करेगा. ठीक है, फिर रिसीवर से उसको एक्नॉलेजमेंट आएगा दैट आई हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में वो सेकेंड ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, सपोज दिस इज डेटा वन, सो दिस इज डेटा टू. ठीक है, जब तक के डेटा वन का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता सेंडर वेट करेगा, डेटा टू सेंड नहीं करेगा. जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ डेटा वन रिसीव हो गया है, तब वो डेटा टू को सेंड करेगा. और ये एक्नॉलेजमेंट के और डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी एक टाइम एलोकेटेड रहेगा. विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम, अगर इस टाइम के ड्यूरेशन में डेटा सेंड नहीं होता है तो वो फिर से उसको रिपीट करेगा. इसके लिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. दैट पर्टिकुलर टाइम इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड अगेन इट विल रीट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये किस में होता है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में. इसमें क्या होता है, एक ही फ्रेम ट्रांसमिट होता है एट ए टाइम. जब तक कि उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता सेकेंड फ्रेम हम नहीं सेंड करते हैं. दूसरा, सेंडर विंडो इज इक्वल टू वन. सेंडर का विंडो मीन्स वॉट, मीन्स नंबर ऑफ मैसेजेस ट्रांसमिटेड एट ए टाइम. कितने फ्रेम हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक टाइम में. यहाँ पे हम एक ही फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक टाइम में, इसके लिए विंडो का साइज कितना है, वन है. अगर मल्टीपल टाइम्स हम ट्रांसमिट करते हैं तो मल्टीपल मैसेजेस अगर साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पे विंडो का साइज डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ मैसेजेस है. ठीक है, यहाँ पे सिंगल फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं इसके लिए विंडो का साइज इज वन. रिसीवर विंडो इज अगेन वन. अगर एक ट्रांसमिट हो रहा है तो एक ही रिसीव होगा. ठीक है, इसके लिए रिसीवर का विंडो भी वन रहेगा. अभी इसका इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इफिशियंसी. इफिशियंसी इज इक्वल टू वन बाई वन प्लस टू एक्स, वेयर एक्स इज नथिंग बट
x is equals to td by tt. Okay. Propagation delay time with respect to transmission time is the value of x. X ka value kya rahega? Propagation delay means us device ka jitna propagation delay hai, theek hai, that propagation delay ka time, that is with respect to the transmission time is nothing but x. So the efficiency is 1 by 1 plus 2x. Okay, this is the formula for finding the efficiency in stop and wait protocol. Theek hai, retransmission means what? Retransmission means sender ne information ko send kiya, receiver ne usko receive nahi kiya. Suppose ek aur example leke dekhte hain. Sender sending the information, receiver is accepting the information. Sender ne ye information ko send kiya lekin ye lost ho gayi, it is not reached up to the receiver. Then for a particular time the sender will wait for up to this time the sender will wait for the acknowledgement. Agar usme bhi acknowledgement nahi aata hai to wo kya karega? Retransmit karega. Theek hai, it will retransmit the data aur fir usko acknowledgement milega that data is received. Theek hai, to isko bolenge retransmission. Wo particular time mein bhi agar data receive nahi hota hai to sender kya karega? Fir se ek aur frame transmit karega. To retransmission kitna karega? यहाँ पे वन फ्रेम कर रहे हैं तो यहाँ भी वन ही फ्रेम करेगा. इसके लिए इसका रिट्रांसमिशन भी सिंगल होता है. अभी इसका एडवांटेज क्या है स्टॉप एंड वेट का? इसमें एरर कंट्रोल भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है. एरर कंट्रोल कैसे होता है? वी नो दैट वी आर यूजिंग सीआरसी इन द डेटा लिंक लेयर. साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हम यूज़ करते हैं डेटा लिंक लेयर पे फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. ठीक है, तो उसमें एरर कंट्रोल भी होता है और फिर फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल क्या होगा? कंप्लीट चैनल को हम पैकेट से फुल नहीं कर रहे. ठीक है, एक एक फ्रेम एट ए टाइम सेंड कर रहे हैं. एक फ्रेम जाएगा रिसीवर पे, रिसीव होगा, रिसीव उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, फिर सेकंड फ्रेम जाएगा. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? दिस इज द प्रॉब्लम विद द इफिशियंसी एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ. यहाँ पे बैंडविड्थ का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि एक पैकेट कंप्लीट ट्रैवल करके जा रहा है, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो उसके ड्यूरेशन में जितना चैनल का यूटिलाइजेशन हो सकता था वो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. ओके, इसके लिए ये लेस इफिशियंट है. ठीक है, बट इसमें एरर एंड फ्लो कंट्रोल तो होता है बट इफिशियंसी इज लेस. अभी स्टॉप एंड वेट में होता क्या क्या है? स्टॉप एंड वेट में एक तो टाइम आउट होता है. टाइम आउट मीन्स व्हाट? मीन्स डेटा लॉस. टाइम आउट मीन्स डेटा लॉस. जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर डेटा लॉस होता है तो इसका एक टाइम आउट रहेगा, उस टाइम आउट के बाद में उसको रिट्रांसमिट करेगा. ठीक है, तो उसका टाइम आउट रहेगा. अगेन द सीक्वेंस नंबर इज असाइन टू एवरी फ्रेम. ठीक है, वो सीक्वेंस नंबर अगर सपोज एक इसी एग्जांपल से हम देखते हैं. ओके, इफ द सेंडर इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन डेटा जीरो. ओके, इफ डेटा जीरो इज सेंड, एक्नॉलेजमेंट इज रिवर्ड टू द सेंडर इफ द एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट. ठीक है, इस एक्नॉलेजमेंट में क्या रहेगा? सीक्वेंस नंबर रहेगा. अगर ये लॉस्ट हो जाता है तो वो फिर से रिट्रांसमिट करेगा. ठीक है, और फिर उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. तो इसमें एक तो टाइम आउट होता है जिसमें डेटा लॉस रहेगा, सीक्वेंस नंबर जिसमें, ठीक है, इसमें हो सकता है डेटा लॉस एंड एक्नॉलेजमेंट लॉस. ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है, अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी तो भी रिट्रांसमिट करेगा, अगर डेटा लॉस होगा तो भी रिट्रांसमिट होगा. तो स्टॉप एंड वेट में होता है एक टाइम आउट दैट इज नथिंग बट डेटा लॉस, सीक्वेंस नंबर दैट इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट लॉस एंड सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट. ये एक चीज़ होती है. ये क्या होता है? ये होता है एक्नॉलेजमेंट डिलेड. मीन्स एक्नॉलेजमेंट आया तो है लेकिन डिले से आया है. मीन्स उसका जो टाइम है वो टाइम ओवरलैप हो गया है, मीन्स वो टाइम कंप्लीट हो गया है, तो फिर वो क्या करेगा? वेट नहीं करेगा एक्नॉलेजमेंट का, इट विल रिट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट में क्या क्या होता है? एक तो टाइम आउट होता है दैट इज नथिंग बट डेटा लॉस, एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर दैट इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट लॉस एंड सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट डिलेड. ठीक है, ये होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में. अभी हम देखते हैं गो बैक एन. ठीक है, गो बैक एन, व्हाट इज एन? एन इज द विंडो साइज.
यहाँ पे एन क्या है, विंडो साइज है, यहाँ पे हमने विंडो साइज डिस्कस किया है, यहाँ पे हम सिंगल फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसके लिए सिंगल विंडो का साइज कितना है, सिंगल है, वन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन, अभी ये क्या करता है, स्टॉप एंड वेट सिंगल फ्रेम ट्रांसमिट करता था, यहाँ पे हम मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं गो बैक एंड में। फिर सेंडर विंडो इज 2k-1, 2k-1 वेयर k इज द नंबर ऑफ बिट्स। जैसे अगर हम k का वैल्यू लेते हैं 3, इफ k इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो सेंडर का विंडो कितना हो जाएगा, 2k-1, 2k-1 दैट इज 8-1, 7, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, k इज नथिंग बट द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, 3 बिट रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2k-3-1, 2k-3-1 क्यों ले रहे, क्योंकि 2k-3 3 बिट्स का पॉसिबिलिटी कितना है, 2k-3 इज 8, बट स्टार्ट करते हैं 0, सो 0 to 7, लास्ट बिट क्या रहेगा, 111 इज 7, दैट्स वाई वी आर सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 8, दैट्स वाई 2k-3-1 इज 7, ठीक है। ऐसे हम k का वैल्यू वेरी कर सकते हैं फॉर सेंडर विंडो। रिसीवर विंडो क्या रहेगा, देखो अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, गो बैक n में 2k-1 सेंडो मीन्स विंडोज आर देयर, जैसे हमने k को 3 एज्यूम किया है, तो एक एक टाइम में कितने फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं, 7 फ्रेम्स आर ट्रांसमिटिंग एट ए टाइम, बट द रिसीवर विंडो विल एक्सेप्ट ओनली 1, ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ एक ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मीन्स अगर मैंने ट्रांसमिट किया, दिस इज सेंडर एंड दिस इज रिसीवर, ठीक है, अभी यहाँ से मैंने 1, 2, 3, 4 फोर फ्रेम्स को सेंड किया, वन ऑल आर सेपरेटेड, 1, 2, 3, 4। अभी यहाँ पे रिसीवर में प्रॉब्लम क्या है कि रिसीवर सबसे पहले 1 को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, सपोज 2, 3, 4 आके यहाँ पर वेट भी करते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके, 2, 3, 4 को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि 1 नहीं आता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में लेगा, ये इसका जो बफर है वो एक्सेप्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को 1 by 1। अगर यहाँ से 1 पहले ट्रांसमिट हुआ है तो ये पहले 1 को ही एक्सेप्ट करेगा, फिर जब 2 आया तो फिर वो उसको बाद 2 को लेगा, उसके बाद में 3 को लेगा, ठीक है, 4 को लेगा, मीन्स अगर ऑर्डर में होता है तभी रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर में नहीं होता है तो फिर से उसको वेट करेगा कि जब तक कि सपोज़ ये तीनों पैकेट्स भी आते हैं, तीनों फ्रेम्स भी आते हैं यहाँ पे, और 1 नहीं आया तो क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। सपोज़ 1 कहीं पे लॉस हो गया ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, इफ़ 1 इज़ लॉस्ट, फर्स्ट फ्रेम लॉस होता है तो क्या करेगा, वो कंप्लीट फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। ये प्रॉब्लम किसका है, गो बैक एन, ठीक है, मल्टीपल फ्रेम सेंड करेगा, सेंडर विंडो 2k-1 रहेगा जिसमें k इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिसीवर का विंडो कितना है, 1 ही है, जबकि सेंडर का विंडो बहुत ज़्यादा है, और ये ऑर्डर को फॉलो करता है, मीन्स 1 by 1 उसको एक्सेप्ट करेगा। देन इसका इफिशियंसी कितना रहेगा, इसका इफिशियंसी एक तो रहेगा 1 by 1 plus 2x, जो हमने इसमें देखा था 1 by 1 plus 2x मल्टीप्लाइड बाई जितने हम फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज 2k-1। सेंडर विंडो कितना है, 2k-1, तो 2k-1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 plus 2x को, जिसमें अगेन x का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू यस प्रोपोगेशन डिले टाइम बाय ट्रांसमिशन टाइम, ओके, प्रोपोगेशन डिले टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसमिशन टाइम इज द वैल्यू ऑफ x। देन इसमें कम्युनिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है, कम्युनिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है मीन्स वॉट एक्नॉलेजमेंट, अगर सारे फ्रेम 1 by 1 आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं, तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट करता है कि कंप्लीट फ्रेम रिसीव हुआ है, ठीक है, कम्युनिटिव मीन्स ऑल फ्रेम्स, मल्टीपल फ्रेम हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, सारे मल्टीपल फ्रेम्स अगर रिसीवर पर रिसीव होते हैं तो वो कम्युनिटिव सबका एक्नॉलेजमेंट एक साथ ही भेजता है, ऐसा नहीं करता है कि फर्स्ट फ्रेम आया, अब सेकेंड आया, अभी थर्ड आया, अभी फोर्थ आया, हमने 4 किया, 4 का एक ही बार एक्नॉलेजमेंट गया कि चलो 4 आ गया, फिफ्थ सेंड करो, ठीक है, तो कम्युनिटिव ये होता है इसमें एक्नॉलेजमेंट इन स्टॉप सॉरी गो बैक एंड प्रोटोकॉल में। रीट्रांसमिशन कितना होगा, रीट्रांसमिशन इज 2k-1, ठीक है, अगर एक भी पैकेट लॉस होता है, जैसे हमने 4 सेंड किए थे, 4 इन्फॉर्मेशन भी है, 4 फ्रेम्स वी हैव सेंड, अगर उसमें से कोई एक भी लॉस हो गया तो उसको फिर से 4 फ्रेम्स सेंड करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2k-1 हमने देखा है कि रीट्रांसमिशन रेशियो ये रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ गो बैक एन, गो बैक एन में क्या ड्रॉबैक है, एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसका जो रिसीवर विंडो है वो सिंगल है,
दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वो सीक्वेंस में एक्सेप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, ऑर्डर में एक्सेप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को. अगर इन ऑर्डर हो गया तो वो कंप्लीट पैकेट्स को, कंप्लीट फ्रेम को डिस्कार्ड करेगा ऑन, इट विल रिक्वेस्ट फॉर गो बैक एन. ठीक है, वो फिर वापस जितनी विंडो है उसके लिए फिर रिक्वेस्ट करेगा कि 2^k-1 को फिर से सेंड करो. ओके, सो दिस इज अबाउट गो बैक एन. देन लास्ट वन इज सेलेक्टिव रिपीट. ठीक है, सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, मल्टीपल फ्रेम्स सेंड होते हैं. जैसे कि हमने गो बैक एन में देखा है, इसमें मल्टीपल फ्रेम सेंड होते हैं, यहाँ भी मल्टीपल फ्रेम सेंड होंगे. सेंडर का विंडो 2^k-1, हमने देखा है k का वैल्यू क्या रहता है, नंबर ऑफ बीट्स होते हैं रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द विंडो साइज. ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, जैसे हम 4 बीट करते हैं तो 2^4-1 दैट इज 16-1 सो 15. ठीक है, ऐसे हम सेंडर का विंडो रहेगा. रिसीवर विंडो हियर इट इज 2^k-1. दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिव रिपीट. जितना सेंडर का विंडो साइज है उतना ही रिसीवर का विंडो साइज है. ठीक है, अभी इसका एडवांटेज क्या है कि सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, रिसीवर विल एक्सेप्ट दैट इन्फॉर्मेशन विथ द कंप्लीट बफर. जो बफर हम सेंडर के पास में है कि अगर हम 1, 2, 3, 4 फ्रेम्स को सेंड कर रहे हैं तो ये सपोज इसके पास पहले 4 आया तो वो 4 के स्लॉट में 4 डाल देगा, फिर बाद में उसके पास में 2 आया तो उसने 2 के स्लॉट में 2 डाल दिया, फिर उसको रिसीव हुआ 3, देन इट इज़ रिसीव 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे गो बैक एन में होता है कि वो फर्स्ट पैकेट का वेट करेगा फिर सेकंड को एक्सेप्ट करेगा, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ गो बैक वन. सेलेक्टिव रिपीट में वैसे नहीं होगा, इसके पास बफर का साइज बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपने बफर में उस पर्टिकुलर स्लॉट में उस पर्टिकुलर फ्रेम को सेव कर लेगा और जैसे ही कंप्लीट फ्रेम हो जाएंगे तो वो उसको एक्नॉलेज कर देगा. रिसीवर विल एक्नॉलेज द इन्फॉर्मेशन टू द सेंडर दैट आई हैव रिसीव्ड. ठीक है, और फिर सेलेक्टिव रिपीट करेगा. मीन्स वॉट मीन्स, सपोज 3 नहीं आया, 1, 2, 4 ही आया तो इसका जो एक्नॉलेजमेंट जाएगा उसमें जाएगा कि 3 नहीं मिला है तो वो सेलेक्टेड जो फ्रेम है 3 को ही सेंड करेगा. ओके, कंप्लीट फ्रेम को सेंड नहीं करेगा. इस तरह से ये चैनल का यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली हो जाएगा. ठीक है, बट डिजाइनिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे डिफिकल्ट कौन सा होता है, सेलेक्टिव रिपीट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बफरिंग का साइज भी बहुत ज़्यादा होता है, सर्चिंग भी होता है. ओके, सर्चिंग एंड बफरिंग बोथ आर वेरी हाई इन द सेलेक्टिव रिपीट. ठीक है, एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल हमने कवर किया है जिसमें हमने एक देखा है सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल क्या होता है, देन स्टॉप एंड वेट में क्या क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. स्टॉप एंड वेट में टाइम आउट इंक्लूड होता है, सीक्वेंस नंबर इंक्लूड होता है और सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, टाइम आउट मीन्स वॉट, डेटा अगर लॉस होता है, ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर टू रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर, अगर डेटा लॉस हो जाता है तो वो रिट्रांसमिट करेगा, उसको बोलेंगे टाइम आउट. ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करेगा, अगर तब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो वो रिक्वेस्ट करेगा फिर से वो फ्रेम को रिट्रांसमिट करेगा. ठीक है, सीक्वेंस नंबर मीन्स अगर डेटा रिसीव हो गया बट उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो वो फिर से उस फ्रेम को फिर से सेंड करेगा, दैट इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस्ट होता है तो फिर से सेंड करेगा. देन सीक्वेंस नंबर लॉग एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट इज एट द टाइम ऑफ डिलेड ऑफ एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट आया तो है पर देर से आया है तो क्या करेगा, तब तक उसका वेट नहीं करेगा, फिर से रिट्रांसमिट कर देगा पैकेट्स को. ठीक है, गो बैक एन हमने देखा है जिसमें सेंडर का विंडो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसीवर का विंडो सिंगल ही है, मीन्स एट अ टाइम एक ही फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा. दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि ये ऑर्डर में एक्सेप्ट करेगा, इन ऑर्डर अगर हो जाता है तो फिर वो तब तक वेट करेगा जब तक कि उसका फर्स्ट पैकेट रिसीव नहीं होता है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ऑर्डर में रिसीव करेगा. और ये सारे ड्रॉबैक किस में एलिमिनेट हो रहे हैं, सेलेक्टिव रिपीट में, कि मल्टीपल फ्रेम्स भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, सेंडर का विंडो और रिसीवर का विंडो भी सेम साइज का है, इफिशियंसी कितना है 2^k-1 × 1/1+2x, जिसमें x की वैल्यू कितनी है TD/TT इज नथिंग बट डिले टाइम ऑफ ट्रांसमिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसमिशन टाइम. देन यहाँ पे कम्युलेटिव एंड इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट होता है. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट मीन्स चारों फ्रेम सेंड किए, फोर सपोज वी हैव सेंड द फोर फ्रेम्स
तो फोर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट देगा कि यस ऑल फोर फ्रेम रिसीव्ड, और उसमें से कोई एक फ्रेम नहीं मिलता है, सपोज थ्री नहीं मिला, तो वो उसको इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट भी कर सकता है कि ओनली थ्री इज नॉट रिसीव्ड। तो दोनों इसका पॉसिबिलिटी है, इसमें कम्युनिटी में इंडिपेंडेंट बोथ द एक्नॉलेजमेंट आर पॉसिबल। रीट्रांसमिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीट्रांसमिशन मीन्स रीट्रांसमिशन कब करेगा, अगर या टाइम डिले हो गया या डेटा लॉस्ट हो गया या फिर जो इनपुट इन्फॉर्मेशन हुआ मिला है उसमें कुछ एक पैकेट नहीं मिला, ठीक है, कोई एक फ्रेम नहीं मिला, जैसे 1 2 3 4 सेंड किया था, थ्री नहीं मिला, तो थ्री को इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट करता है, मीन रीट्रांसमिशन उसका सिंगल रहेगा। ओके, थैंक यू।